श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर श्री अनिर्बान जी, सम्मानित शक्ति सिन्हा जी, यहाँ आए हुए सभी प्रबुद्ध लोग, शक्ति सिन्हा जी ने जो बात शुरू करी वो सबसे पहले उन्होंने एक विषय छेड़ा कि इस साल 8 राज्यों में चुनाव हुए और दूसरा विषय उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का विषय जोड़ा, डोमिनेंट कास्ट का विषय जोड़ा। ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिन परिवर्तनों को हमें समझना होगा। सामान्यतः बहस में तस्वीर का एक रुख आता है और इसलिए मैं घटनाओं पे ना जाकर कुछ विषयों का अपनी तरफ से जो मेरी समझ है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इस साल जो 8 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार हारी उसने 5 साल राज किया, एंटी इनकम्बेंसी हुई, सरकार हार गई। उत्तराखंड में चुनाव हुए, 5 साल राज किया, एंटी इनकम्बेंसी हुई, सरकार हार गई। मणिपुर में चुनाव हुए, सरकार ये 5 साल की थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार हार गई। पंजाब में भी चुनाव हुआ, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हुई, 5 साल बाद चुनाव हार गए। हिमाचल में चुनाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी हुई, 5 साल बाद हार गए। गोवा में चुनाव हुआ, 5 साल बाद भी वही सरकार रिपीट हुई, कम बहुमत से आई लेकिन सरकार रिपीट हुई। और गुजरात में भी चुनाव हुआ, 25 साल से सरकार थी, सरकार वही रिपीट हुई। भारत में मुख्य रूप से दो मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आजादी मिलने के बाद आजादी का जो ऑरा था उस ऑरे में कांग्रेस का राज चलता रहा और 25 साल तक लगातार 1952 से लेके और 1974 तक एक छत्र राज कांग्रेस का रहा। पहली बार प्रयोग जनता पार्टी का 77 में कामयाब हुआ लेकिन एक बार फिर कांग्रेस अपने इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत 1984 में लेकर के आई और उसके बाद कांग्रेस का भी बहुमत नहीं ला पाई। लेकिन 50 साल में कांग्रेस ने देश की राजनीति की दिशा क्या करी? पचास साल तक 1952 से लेके और 1998 तक ये देश गांव का देश कहा जाता रहा लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना पहली बार अटल जी लेके आए। 50 साल तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात हम करते रहे लेकिन ये देश ये समझ ही नहीं पाया कि शेड्यूल कास्ट की समस्या अलग है, शेड्यूल ट्राइब की समस्या अलग है। पहली बार शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री अटल जी ने बनाई। आर्टिकल 340 जब संविधान बना था तब से देश में था लेकिन बैकवर्ड क्लास को उनके राइट कांग्रेस ने 50 साल तक नहीं दिए। और आज कांग्रेस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उन्होंने जातिवादी गठबंधन बनाया। जातिवादी गठबंधन मतलब समाजवादी पार्टी की कास्ट, माइनॉरिटी कास्ट प्लस कांग्रेस जिसको अपनी कास्ट गिनती है वो इक्वेशन लेकर के वो चुनाव में उतरे। हिमाचल में चुनाव हुए तो भी उन्होंने सब तरह के विषयों को राजनीति में लाने का प्रयास किया। गुजरात में भी जब चुनाव हुए तो पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ कि एक नेशनल पार्टी ने अपने सारे प्रोग्राम को 3 बच्चों को आउटसोर्स कर दिया। अभी तक तो जो आउटसोर्सिंग थी ये कंपनियों में होती थी, आंदोलन आप चलाओ, प्रोग्राम आप करो। और आज़ादी के इतिहास में भारत को सभी नैतिक
मूल्यों से ऊपर रख कर के त्याग की सीख देने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जाति के सम्मेलन में जाकर के अपनी ही पार्टी के हारे हुए जिला अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल करा और कहा कि हमने एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। उसके बाद भी 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को जोर शोर से प्रचार करने वाले कांग्रेस भी गुजरात में किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं ले पाए। ये इस पूरे राजनीति के परिदृश्य को समझने के लिए आवश्यक है कि देश की मुख्य जो राजनीतिक धारा है उस मुख्य राजनीतिक धारा का केंद्र बिंदु आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। जो 98 में विषय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किए गए उस विषय को आगे बढ़ाते हुए 2000 से भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन की राजनीति को राजनीति की मुख्य धारा बनाया। किसी भी एक वर्ग, किसी भी एक जाति, किसी भी एक समाज से कॉम्प्रोमाइज न करते हुए समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकार सही रूप में मिले और उसके लिए अगर किसी का नुकसान भी लेना हो, किसी का विरोध भी लेना हो तो लेने की ताकत से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुशासन की राजनीति को और समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार देने के लिए हम पूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उदाहरण आप देखिए पिछले एक साल की राजनीति में। पहला विषय यह आया कि इस देश में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जो कभी कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं और 85 पैसा रास्ते में रुक जाता है। और ये वाक्य भी उन्होंने 88 में कहा, उसके बाद भी इन्होंने 20 साल राज कर लिया। तो ये जो 1 रुपया ऊपर से जाता है ये नीचे तक सही तरीके से लोगों को पहुंचे इसके लिए हम लोग आधार कानून लेकर के आए और हमने कहा कि ये मनरेगा की राशि है, पेंशन की राशि है, ओबीसी की स्कॉलरशिप है, SC ST की स्कॉलरशिप है या गैस की गरीब की सब्सिडी है, ये सब उसके खाते में जाने चाहिए। इस आधार कानून का विरोध किसने किया? तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दूसरा विषय हम लेकर के आए कि देखिए 50 साल के राज में, 70 साल के राज में 50 साल तक तो आपने वैसे ही ओबीसी का कोई काम नहीं होने दिया। अब ये जितने भी समाज में जो छोटे 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 वर्ग हैं इन वर्गों की शिकायत करने जो होती है, इस शिकायत के समाधान के लिए कोई एक न्यायालय इनको देना चाहिए, कमीशन देना चाहिए। जैसे SC कमीशन है वैसे ST कमीशन है, ऐसे OBC कमीशन होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या कह के विरोध किया कि सब OBC कमीशन में एक मेंबर माइनॉरिटी का भी होना चाहिए। जब उनको ये प्रश्न किया गया कि माइनॉरिटी कमीशन जो है और उनकी जो समस्या उसके लिए ऑलरेडी कमीशन है, इसमें मेंबर होने की आवश्यकता क्या है, तो कांग्रेस ने राज्यसभा में उसको गिरवा दिया। तो जो पार्टी गरीबों को भला करने की बात करती है उसने अगर संसद के अंदर किसी कानून का विरोध किया तो गरीब के कानून का विरोध किया। जो पार्टी सामाजिक न्याय देने के लिए तथाकथित आंदोलन विभिन्न जातियों के खड़े करवाती है अगर उनको रोकने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। फिर तीसरा विषय, इस देश में हमने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सांसद बनेगा, विधानसभा का सदस्य बनेगा, वो दिवालिया नहीं हो सकता, बैंकरप्ट नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ जो कानून चल रहा था वो 1919 का चल रहा था। 1919 का वो कानून चल रहा था, दिवालिया घोषित करने की इतनी लंबी प्रक्रिया थी कि उसका लाभ लेके कांग्रेस के टाइम में सरकार के पैसे लेकर के हड़प करने वाले विजय माल्या चले गए, लेकिन हम उन्हें संसद से डिबार नहीं कर सके। आपने वो सुना होगा कि राज्यसभा ने कहा और उसके बाद उन्होंने स्पीकर को इस्तीफा दिया। 1960 में इस देश में
लॉ कमीशन ने कहा था कि आप इस देश की पूंजी को बचाना चाहते हैं तो दिवालिया कानून नया लेके आइए, बैंकरप्सी कानून लाइए 1960 में। भारतीय जनता पार्टी को आने में 2 साल में वो कानून बना, कांग्रेस ने 46 साल तक वो कानून नहीं बनाया। सुधार की बात करने वाले कांग्रेस को 1988 में इस देश में जब बेनामी संपत्ति का कानून आया और अटल जी के समय में उस कानून को वापस से रिफाइन किया गया, उस कानून के 10 साल तक यूपीए के राज में इन्होंने रूल्स नहीं बनाए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कांग्रेस के टाइम में बना वीरप्पा मोइली, उन्होंने कहा कि साहब इस देश में अगर आपको काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो ये जो बेनामी संपत्ति है इसके रूल्स तो इस तरीके से फ्रेम करो कि इम्प्लीमेंट हो जाए। इसको करने का काम हमारी सरकार ने अपने लेजिस्लेटिव टूल के माध्यम से किया। और इसलिए देश में ये जो परिवर्तन शुरू हुआ है उसका सबसे बड़ा परिणाम है कि सरकार जब इतने पारदर्शी कानून, इतने व्यवहारिक तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आई है, उसका सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो आपको लगेगा कि पिछला एक साल जो 2017 का निकला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो दुनिया के पैमाने हैं उसमें भारत ने पहली बार 30 छलांग एक साथ लगाकर 130 से हम 100वें स्थान पर पहुंचे हैं। और ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है उसमें 2017-18 में, 15-16 में हम 140 देश में 55वें स्थान में थे, 2017-18 में हम 40वें स्थान पे आए हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का जो स्रोत है और जिसका प्रेडिक्शन है भारत का, आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहता है कि 2017-18 का जो हमारा ग्रोथ है वो चाइना से ज़्यादा रहने वाला है। उनका 6.5 हमारा 7.4 है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी इकोनॉमी का आकार बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी उस तुलना में हमारा आकार छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है। विभिन्न अंतर्विरोधों के बावजूद भी अगर 2017 में सबसे बड़ा माइलस्टोन इस सरकार ने अचीव किया है, आज जहाँ जब देश में इस विषय पे चल रहा है कि कौन किसकी फाइल देखेगा, वहाँ पर पार्लियामेंट और विधानसभा ने अपने अपने अधिकार एक नई फोरम को दिए जिसको जीएसटी काउंसिल कहा गया। किसी भी दुनिया में लेजिस्लेशन की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम है कि दो एक फेडरल स्ट्रक्चर में संसद ने और विधानसभा ने ये कहा कि आप हमारे अधिकारों में कटौती कर लीजिए, पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए देश में अगर एक न्यूट्रल टैक्स रिजीम लानी है और जो एक पूरे देश को एक, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों का बाजार की ताकत है, लेकिन वो ताकत का लाभ इस देश के हर आदमी को मिलना चाहिए, और इसलिए इसके लिए कंसेंसस बनाना, ये काम पिछले साल जीएसटी लागू करने के बाद इस सरकार ने किया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जीएसटी के कारण शुरू में दिक्कतें आई हैं, लेकिन जीएसटी का आप ये परिणाम देखिए कि 29 राज्यों के वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री एक साथ बैठकर कंसेंसस से देश के 1000 वस्तुओं के दामों को कम करते हैं। किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं आता है, देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलने का काम ये हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। और जिसको मैं ये मानता हूँ कि जितनी राज्यों में सरकारें एंटी इनकम्बेंसी के कारण जा रही है, सुशासन के इन मानकों को लोगों के हितों में काम करके कुछ कर दिखाने के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार भी चुनी जा रही है। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरा मानना है कि मैं बाद में अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो जवाब दूंगा, लेकिन केवल घटनाओं के आधार पर नहीं, लेकिन कुछ विषयों पे जिस प्रकार की डिबेट हमारे देश में चलती है उसका सही परिप्रेक्ष्य कई बार सामने नहीं आता है। हमारी सरकार ने
और पिछले 2017 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के और उनको गरिमापूर्ण जीवन देने के विषय में चाहे मैटरनिटी कानून में संशोधन लाया हो, चाहे कामकाजी महिलाओं के सुविधाओं के लिए लाया हो, चाहे स्टैंड अप योजना में एक महिला को अनिवार्य रूप से लोन देने का विषय किया हो और चाहे ट्रिपल तलाक के विषय पर सरकार लेजिस्लेशन लेकर के आई हो। ये जो ट्रिपल तलाक का भी विषय है, इस विषय की जो सबसे बड़ी बात है, ये कोई किसी को अपनी उपलब्धि मान करके ये नहीं मानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक सामान्य महिला भी जो केस लड़ी है, वो एक पूरी व्यवस्था और ताकत से लड़कर अगर एक इंस्टीट्यूशन से न्याय लेकर के लाखों महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए काम कर सकती है, तो ये इस देश की लोकतंत्र की पारदर्शिता भी है। लेकिन ट्रिपल तलाक को लेकर के विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। अब संसद क्यों नहीं चलने दी? वो कहते हैं कि साहब इसको राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी में भेज दो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट कमेटी में विषय जा सकता है, लेकिन इतना तो देश के लोकतंत्र में कम से कम होना चाहिए कि भाई आप सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कर रहे हो तो हाउस के फोरम पे कम से कम डिबेट तो कर लो कि भाई सेलेक्ट कमेटी में क्यों जाना चाहिए। क्या पता लॉ मिनिस्टर बात कहें और कन्विंस हो जाए। आप अपने घर से तय करके आ जाओ कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो और सेलेक्ट कमेटी को चला जाए। आप कम से कम ये बात रखने का तो मौका दो कि भाई सेलेक्ट कमेटी में जाना क्यों चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये पर्सनल लॉ को क्रिमिनलाइजेशन करने का विषय है। पर्सनल लॉ कभी भी क्रिमिनल सजा नहीं हो सकती। तो हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में सेक्शन 17 में अगर कोई दो शादियां करता है तो उसको तो 7 साल की सजा है, यहाँ तो 3 साल ही है। हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में अगर कोई गलत जानकारी दे देता है या उसके पैसे लेता है तो उसमें सजा है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में अगर कोई गलत एफिडेविट भी दे देता है तो उसमें सजा है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बाकी प्रोविजन में भी सेक्शन 69, 70, 71, 72, 73, 74 में सजा है। अब यहाँ पे तो हिंदुओं में दहेज देने की प्रथा है, लेकिन दहेज के लिए सजा है तो ये थोड़ी कि शादी टूट जाती है। पारसी मैरिज एक्ट में अगर कोई दो शादियां करता है तो उसमें सजा। सिख मैरिज एक्ट, उससे पहले तो उनमें भी दो शादियां थी लेकिन उन्होंने एडॉप्शन किया। तो ये देश की सारी सेक्युलर लॉबी लग गई कि साहब ये तो एक धर्म को सजा देने की बात है, ऐसी तो स्थिति नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर इसके लिए कोई प्रोसीजर को हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये तो उस महिला के लिए काफ़ी विचित्र स्थिति है कि जिसको वापस से उस मैरिज को, निकाह को रेस्टोर करने के लिए एक जलालत भरी प्रक्रिया से गुजर के आना पड़ेगा। और ऐसी प्रक्रियाओं को सती मैरिज एक्ट को रोका है, बल्कि दो अंतरजातीय या दो धर्मों के बीच में अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी करता है उसमें भी वायलेशन होता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। तो क्या समाज में कोई अगर आदमी किसी अपने एक जीवन के पक्षकार साथी के जीवन को केवल आवेश में आके अंधकारपूर्ण बना दे तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए? इसके लिए कानून नहीं होना चाहिए, इसके लिए सेलेक्ट कमेटी बननी चाहिए। लेजिस्लेचर को ये कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार जो बात कहना चाहती है उस बात को कहने के लिए कम से कम एक अवसर की उपलब्धता कराना, ये भी सबका काम है। और इसलिए देश में सेक्युलरिज्म का अर्थ का ये निश्चित रूप से सही है कि कोई भी अगर सेक्ट है, रिलीजन है, उसकी जो मूल मान्यता है उस पे चोट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मूल मान्यता में दुनिया के बाकी देशों में भी अगर इस प्रकार का प्रावधान है तो विपक्ष जिस प्रकार के विषय और जिस प्रकार की
घटना को कर रहा है वो तो किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कम से कम इस देश से, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो तो आजकल झांकने भी नहीं जाते, इतने ज़्यादा डर गए हैं। माइनॉरिटिज्म का इतना उनसे भूत हट गया है कि वो दिखते ही अब मंदिर में है। तो ये तो राजनीति में जो तथा कथित जो इनका इंटेलेक्चुअलिज्म था वो कितना जल्दी वोट पे बदल जाता है, और लिखने में क्या लिखते हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मीडिया ने भी सोच बदलने में भूमिका निभाई है। और इसलिए पहले जब ये कहा जाता था कि भाई नेशनलिज्म मतलब कंजर्वेटिव मतलब लीक के फकीर मतलब ये प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकते, मुझे लगता है कि 3 सालों के भारतीय राजनीति के इतिहास में नेशनलिज्म की जो धारणाएं हैं वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ करके भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। और वो प्रोग्रेसिव ऐसी हो सकती है कि इस देश में अगर स्वास्थ्य के लिए लेकर के अगर सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि जागरूकता बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है योग के कारण बहुत बड़ा है। मैं बहुत से छोटे छोटे शहरों में कभी देखा नहीं होगा कि महिलाएं चूल्हा चौके में लगभग पूरी ज़िंदगी निकाल देती है, वहाँ भी आपको छोटे छोटे पार्क में सुबह महिलाएं घूमती हुई नज़र आती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो मध्यम वर्गीय परिवार जो कभी सोचते नहीं थे कि ये जीवन का हिस्सा हो सकता है, उनके जीवन में अपने आप में जागरूकता का बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और इसलिए जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य वो दकियानुसी होंगे, आज कम से कम उस बहस को तोड़ने में हम कामयाब हुए हैं। इस देश में एक आर्थिक ईमानदारी का माहौल बना है, और उस आर्थिक ईमानदारी के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए जो भी आज विषय को कह रहे हैं कि साहब देश नीचे चला गया, भाई देश अगर नीचे चला गया तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम कहाँ से ऊपर आ गए? देश अगर नीचे चला गया तो आज सबसे ज़्यादा FDI का फ्लो इस देश में आया वो कहाँ से आ गया? देश अगर नीचे चला गया तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम ऊपर कैसे आ गए, ये तो कोई हमारी रेटिंग तो है नहीं। देश अगर नीचे चला गया तो विश्व का जो मुद्रा कोष है वो कैसे कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रेडिक्शन ज़्यादा होने वाला होगा? देश की राजनीति में स्वच्छता के और स्वास्थ्य के नए आयाम बने हैं। आज हम मानने लगे हैं कुछ स्टेशन साफ हैं, आज उसके प्रति बड़े से बड़े लोग भी ब्रांड एम्बेसडर बन करके उस काम को जोड़ने की बात है। लेकिन इतना समाप्त होने के बाद भी आज भी हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भ्रष्टाचार, जातीय समीकरण, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन और सस्ती एजुकेशन, और देश में कर चोरी को रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। कोई भी सरकार आने से पहले, और कम से कम ये सरकार आने से पहले, एक विषय कहा जाता था कि भारत में नीति निर्णय को लेकर के एक ऐसी सरकार है जो बीच में रही थी, जहां पॉलिसी पैरालिसिस का विषय था, उस विषय को तोड़ते हुए नए ढंग से पॉलिसी को बनाना और उसको एक दृढ़ता के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना। और इसलिए मेरा ये मानना है कि कभी इस देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए जाते थे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन का सबसे बड़े काम की पहल 3 सालों में हुई है, लेकिन विकास का रास्ता वास्तव में किसी भी देश किसी भी समाज के लिए इंद्रधनुष की तरह होता है। जितना आगे बढ़ते हैं क्षितिज उतना ही आगे चलता चला जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के जो कदम हैं वो इस समय मजबूती के साथ बढ़े हैं। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में जो सबसे बड़ी धारणा बदली है कि केवल देशभक्ति के भाषण देना ये नहीं, देश हित में कड़े निर्णय लेना और उसको दृढ़ता से लागू करना, ये 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने
अपने कुशल शासन से करके दिखाया है। और मुझे लगता है जिस प्रकार की वातावरण दृश्य और जिस प्रकार के परिवर्तन हम सभी दलों में देख रहे हैं, ये देश वापस से नेशनलिज्म के नए विषय और विश्वासों को खड़ा करेगा। उसी में से जाति से लेकर सब चुनौतियों से हम लोग बाहर निकल के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद विशाली जी, आपके विश्लेषण से मेरे ख्याल से काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। दो चीज़ मैं ज़रा खास नोट करूंगा। एक तो जैसे आपने सही कहा जीएसटी काउंसिल के बारे में, ये असली अगर पहला भारत में जेन्युइन फेडरल इंस्टीट्यूशन है फेडरल, वो जीएसटी काउंसिल है। एक समय सोचा गया था कि राज्यसभा बनेगा, राज्यसभा वॉज कंसीव्ड एज द फेडरल इंस्टीट्यूशन, मान नहीं पाया क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में आ गया। नथिंग रॉन्ग विद पार्टी पॉलिटिक्स बट इट कुड नॉट एमर्ज। जीएसटी काउंसिल में जिस तरीके से अपनी सही का निर्णय लिया जाता है, पूलिंग ऑफ सॉवरेंटी हुई है। और जीएसटी काउंसिल का एक और फायदा है जो आपने रेफर किया आर्थिक ईमानदारी के लिए, तो जीएसटी काउंसिल ऐसी जीएसटी जो प्रणाली आई है हमारे सामने उसका ये फायदा है कि हमें आर्थिक ईमानदारी की तरफ हमें नज करेगा, हमें धक्का दे रहा है। तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा मेरे ख्याल से कि जेंडर एज अ फोर्स, जेंडर नॉट विद इन द कन्फाइन ऑफ अ रिलीजन और अ कास्ट और इवन एन इकोनॉमिक ग्रुप, पर जेंडर का जो समस्या महिलाओं की समस्या है उसको महिलाओं की समस्या के तौर पर देखना, ना कि कहाँ के रहने वाले हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। मेरे ख्याल से दिस आर वेरी पावरफुल थिंग्स हैपनिंग। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग गैप दैट वी हैव हैड एन इनसाइडर्स व्यू एंड नॉट अ रिंगसाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। And I think all of you are marked now, having attended this program, to be insiders also. But I think on a more serious note, I think it is necessary that we start defining the new narrative in very concrete terms, and that we start taking on the false dimensions of an old narrative that is still being propagated. Mm-hmm. Political activism and action is one thing certainly, but intellectual activism, intellectual articulation, dissemination is extremely important. And in the creation of new narrative, one cannot do away with such a narration. I think Bhupenji has really dealt on all the issues that were on our minds as much as he could in a span of half an hour. But I think a number of these points of debate and issues have become much clearer. The advantage of having him with us is that over the last 3 years, he has also actively worked in shaping a major portion of this narrative. And I think we should keep meeting and we should keep deliberating on these issues so that the intellectual consensus amongst us crystallizes and gains more strength and dynamism. So I would, of course, like to thank Bhupenji. He is a member of the advisory council of the Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation, and in his very hectic schedule always finds time for us. And his inputs have obviously remained, are extremely valuable for the work that we do. So thank you very much for coming here and for sharing your thoughts. I think this has been quite a treat. I would like to also thank Shri Shakti Sinha, who's been actually obviously following Indian politics for so many years, for coming here. And of course, last but not the least, all of you who have gathered here in such large numbers
at such a short notice on such a cold day, braving the traffic. But I think this only reinforces our determination to continue with these sort of activities and to meet again. Wonderful. So thank you so much.